हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। इन दिस लेक्चर वी आर गोना लर्न अबाउट एसक्यूएल कीवर्ड्स। तो एसक्यूएल में कौन कौन से कीवर्ड होते हैं और अभी तक हमने जो भी यूज़ किए हैं उसका हम एक बार वापस से देख लेते हैं। ओके, सो ऐड कीवर्ड होता है एसक्यूएल में, तो वो क्या करता है, एड्स अ कॉलम इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। जो एक टेबल पहले से बनी हुई है उसमें हम एक्स्ट्रा टेबल यूज़ ऐड करने के लिए ऐड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, अल्टर, अल्टर का जैसे आपको याद होगा कि हमने अल्टर के लिए किया था। अल्टर कैसे यूज़ करते हैं हम, किसी भी टेबल को चेंज करना होता है, चेंज मतलब टेबल को मॉडिफाई करना है, उसमें ऐड करने हैं कॉलम्स या रिमूव करने हैं। ओके, ऐसे ही हम कॉलम्स को भी अल्टर की हेल्प से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑल कीवर्ड क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ़ ऑल द सबसिक्वेंट वैल्यूज़ मीट द कंडीशन। जो भी कंडीशन मीट करती है सब क्वेरी में वैल्यूज़, उनको ये क्या करता है, रिटर्न कर देता है। एंड क्या करता है, ओनली इंक्लूड रोज वेयर बोथ कंडीशन इज ट्रू। ये केवल उन्हीं रोज को क्या करता है, इंक्लूड करता है जहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है। एनी कीवर्ड क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ़ एनी ऑफ द सब क्वेरी वैल्यूज़ मीट द कंडीशन। अगर कोई सी भी सब क्वेरी में जो वैल्यूज़ होती है वो अगर कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती है तो ये क्या कर देता है, ट्रू रिटर्न कर देता है, यानी उसको आउटपुट में शो कर देता है। ठीक है, फिर हमने क्रिएट कीवर्ड देखे थे। क्रिएट की हेल्प से हम डेटाबेस क्रिएट करते थे। ठीक है, क्रिएट की हेल्प से हम टेबल क्रिएट करते थे। ओके गाइस, इंडेक्स को क्रिएट करते थे हम। फिर हमने देखा था डिफ़ॉल्ट कीवर्ड। हमने क्या किया था, जब तक कोई भी वैल्यू हमें असाइन करते थे, जब हम देखो कंस्ट्रेंट में हमने डिफ़ॉल्ट पढ़ा था कि अगर हम वैल्यू कोई भी असाइन नहीं करते हैं किसी कॉलम के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट करके अपनी वो वैल्यू को उस कॉलम के लिए असाइन कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमने डिलीट वर्ड पढ़ा था। डिलीट क्या करता है, डिलीट रोज़ फ्रॉम अ टेबल। डिलीट कीवर्ड क्या करता है, रोज़ को डिलीट करता है कॉलम में से। और फिर हमने पढ़ा था डिस्टेंट, ये भी हमने कंस्ट्रेंट में पढ़ा था। ओके, सेलेक्ट क्या करता है, ये ओनली डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को ये सेलेक्ट करता है। ओके, फिर हमने ड्रॉप पढ़ा था। ड्रॉप की हेल्प से हम कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं, और ड्रॉप मतलब पूरा का पूरा डेटा हमारा उड़ जाएगा। ओके, पूरा का पूरा डेटा हमारा उड़ जाएगा। हम डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं, हम टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, हमने जो व्यू बनाया था, व्यू क्या होता है, वर्चुअल टेबल हो सकता है। ओके, तो व्यू को भी ड्रॉप कर सकता है। फिर हमने कीज़ पढ़ी थी, फॉरेन की पढ़ी हमने, प्राइमरी की पढ़ी थी हमने। ठीक है, इंडेक्स भी पढ़ा था हमने, और फिर हमने इज़ नॉट नल पढ़े थे। तो ये कुछ हमने जो की अभी तक जितने यूज़ किए हैं ये सारे उनसे ही रिलेटेड है। ओके, फिर हमने सेलेक्ट पढ़े थे। तो सेलेक्ट तो सबसे पॉपुलर है कि हम डेटा शो करते हैं डेटाबेस का या फिर टेबल का, तो क्या करता है, सेलेक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं हम। ओके, फिर अपडेट कीवर्ड है, यूनिक कीवर्ड है। फिर हमने वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज क्या करता है, ये क्या करता है, इंक्लूड करता है कंडीशंस को। ओके, सो ये कुछ पॉपुलर कीवर्ड थे। सो आई होप गाइस यू गॉट ऑल द पॉइंट आई हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ पुट योर डाउट इन द क्यू एंड ए सेक्शन। थैंक यू।